ट्रेन के नीचे जो ब्रेकिंग सिस्टम है भाई वो दिखाई देगा आपको। देखो वो वाला जो छोटा वाला पहिया है उसी में भाई ब्रेकिंग सिस्टम का सारा काम करता है। इसमें क्या आ गई भाई हमारी सप्त क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस। आनंद विहार टर्मिनल के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुकी है भाई अपनी ट्रेन, और ये रोज़ाना चलती है ट्रेन सप्त क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस। अपनी 1060 किलोमीटर की जो दूरी है वो 23 घंटे 5 मिनट में पूरी करती है, और 16 स्टेशनों से होकर गुजरती है, जिसमें मुरादाबाद, लखनऊ, गोरखपुर से होते हुए वो मुजफ्फरपुर अगले दिन सुबह 11:05 पर पहुंचाती है भाई ट्रेन का डिपार्चर। और भीड़ देखो भाई, ओ भाई साहब, ये भाई असली भीड़ इस ट्रेन की। ये देखो भाई कितनी भीड़ हो रखी है, देख भाई देखो गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है भाई, 40 डिग्री चल रही है। हाय एवरीवन, फिर से एक नए ब्लॉग पर आपका स्वागत है। सो गाइस, आज की जो हमारी जर्नी होने वाली है वो होने वाली है 12558 सप्त क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस में, जो रोजाना दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 2:55 पर निकलती है, और मुरादाबाद, लखनऊ और गोरखपुर से होते हुए अगले दिन सुबह 11:05 पर मुजफ्फरपुर पहुँचाती है। और ये लगभग अपनी जो दूरी है वो 1060 किलोमीटर की दूरी तय करती है 23 घंटे 5 मिनट। ये देखो भाई, ये है वंदे भारत एक्सप्रेस, ये अभी आनंद विहार के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ली हुई है, और ये जा रही है भाई लखनऊ। क्या आ गई भाई हमारी सप्त क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस। आनंद विहार टर्मिनल के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुकी है भाई अपनी ट्रेन, और ये रोज़ाना चलती है ट्रेन, मुजफ्फरपुर जाएगी है वैसे, और मेरे को जाना है मुरादाबाद। 2:55 की टाइमिंग है, और हमारी ट्रेन भाई ऑन टाइम आधा घंटा पहले ही लग चुकी है, आधा पौना घंटा पहले स्टेशन पर आ चुकी है। वहाँ तक जाएगी ट्रेन का डिपार्चर। और भीड़ देखो भाई, ओ भाई साहब, ये भाई असली भीड़ इस ट्रेन की। इस ट्रेन में मैं आपको पूरी जर्नी करके दिखाने वाला हूँ, और मुरादाबाद में इसी ट्रेन से जाने वाला हूँ सप्त क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस। भाई देख सकते हो क्या हाल है इस ट्रेन का, ये देखो। बिहार को चलने वाली भाई जितनी भी ट्रेनें हैं सभी ट्रेनों का भाई यही हाल है, देख रहे हो कितना चिल्ला चिल्ली हो चुका है। ओ भाई साहब, ये भाई जनरल क्लास है, ये हमारा तो शायद स्लीपर में है, देखते हैं भाई। और ये देखो बुरा हाल है भाई, अब मेरे को भाई एक स्टेशन कैसे भी करके मेरे को इसमें जाना है। ये देखो, चलो भाई चलो चलो, लग रहा भाई, ये देखो भाई खिड़कियों से ही बंदे घुसना शुरू हो गए हैं, तो चलते हैं भाई हम भी अंदर घुसने की कोशिश करते हैं अब। बाकी भाई 200 किलोमीटर की हमें जर्नी करनी है पूरी इसी ट्रेन में, सप्त क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस 12258 ट्रेन नंबर है, जो कि रोज़ाना दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से मुजफ्फरपुर के बीच में चलती है, 16 स्टेशनों को कवर करते हुए 1060 किलोमीटर की दूरी तय करती है 23 घंटे में। चलो चलते हैं भाई अंदर एंट्री करते हैं। ये देखो भाई कितनी भीड़ हो रखी है, देख भाई देखो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है भाई, 40 डिग्री चल रही है।
ऊपर से अंदर में भाई गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। अरे खड़े हुए हैं आपने मने। चलो भाई ज़्यादा सिर दर्द था बार ऊपर इधर से कहाँ दो आनंद विहार टर्मिनल से भाई यार वीडियो डाल के स्टेटस डाल रहा है। ट्रेन भाई निकल चुकी है 2:50 पर सप्त क्रांति सुपर फास्ट। ये भाई आनंद विहार टर्मिनल से हमारी ट्रेन डिपार्चर। ये भाई लखनऊ नई दिल्ली आगरा कैंट शताब्दी एक्सप्रेस। साहिबाबाद ये आ गया भाई साहिबाबाद स्टेशन। नहीं रुकेगी भाई ट्रेन, चढ़ जा वैसे ही। नहीं रुकेगी यहाँ पे, चढ़ जा वैसे ही। इंतजार कर रही कि चढ़ेगी। सप्त क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस अपनी 1060 किलोमीटर की जो दूरी है वो 23:05 में पूरी करती है और 16 स्टेशनों से होकर गुजरती है, जिसमें मुरादाबाद लखनऊ गोरखपुर से होते हुए वो मुजफ्फरपुर अगले दिन सुबह 11:05 पर पहुंचाती है। सप्त क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस 12558 ट्रेन नंबर है। और देखो भाई भीड़ कितनी ज़्यादा है, सीट पूरी भरी हुई है और अंदर में इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है क्या ही बताऊँ भाई। और फिलहाल मैं भी गेट पर बैठा हूँ भाई। 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुँच चुका है, क्या ही बताऊं भाई। ट्रेन 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। ये देखो भाई साहब, बिना स्टेशन के सप्त क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस भाई रुकी हुई है ट्रैक पर। ये देखो भाई ट्रेन के नीचे जो ब्रेकिंग सिस्टम है भाई वो दिखाई देगा आपको। देखो वो वाला जो छोटा वाला पहिया है उसी में भाई ब्रेकिंग सिस्टम का सारा काम करता है। इसमें देखो वो रहा नीचे में आपको, वो जो है ना वो इस छोटे वाले पहिए में चिपकता है, पूरा दबा देता है इसको। तो ये है भाई पूरे ट्रेन के नीचे का ब्रेकिंग सिस्टम। ऐसे ऐसे पुलों पर थोड़ा सावधान होकर आप बैठे, क्योंकि फोन वगैरह भाई छीन लेते हैं इस तरीके के पुल पर। लोग बैठे रहते हैं और जैसे इस तरीके से जो बैठे हैं ये फ़ोन चलाते रहते हैं और आप तो एकदम से आपके हाथ में फ़ोन छीन लेंगे तुरंत। बड़ा पुल है, इतना ज़्यादा भीड़ है और अभी मैं खड़ा हूँ गेट पर। ये भाई जनरल का हाल है। ये देखो नीचे से लेकर ऊपर तक भाई पूरा भरा पड़ा है जनरल कोच में भाई। ये हाल है स्लीपर का भी भाई, सेम यही हाल है। एक एक सीट पर भाई 5-5, 6-6 लोग बैठे हुए हैं। तो
क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस है कि जब गाज़ियाबाद साहिबाबाद जब क्रॉस कर रही थी तो उस समय मतलब काफ़ी उसकी ट्रेन की जो गति थी भाई काफ़ी ज़्यादा धीरे थी, बट जैसे ही 30-40 किलोमीटर उसने कवर किया काफ़ी भाई उसने मतलब स्पीड पकड़ना शुरू कर दिया। और शुरुआत में तो मतलब आधा एक घंटा मतलब लेट चल रही थी, बट मुरादाबाद जंक्शन भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं और बस भाई ट्रेन रुकने ही वाली है। तो चलो भाई आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग मुरादाबाद जंक्शन पहुंच चुके हैं। लगभग 153 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद पहुंच चुके हैं हम इस ट्रेन का पहला होल्ट मुरादाबाद जंक्शन, और ये हमारा आखिरी होल्ट है भाई, क्योंकि यहीं पर मैं डिबोर्ट करने वाला हूं और यहीं पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, लव यू।